अबे कल्ट वालों, धूप में वर्कआउट करा दिया इतना ज्यादा। दो तीन बार वर्कआउट हो गया शूट के चक्कर में। कल्ट स्पोर्ट है। नमस्ते, कैसे हो दोस्तों। मैं आपका अपना पंगाल, आपके पंगाल फिटनेस पे। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा वीडियो का टॉपिक अलग होगा, क्योंकि आपके मैसेज आते हैं इक्विपमेंट्स के बारे में बताओ, जिम किट के बारे में बताओ। तो आज सबसे मेन चीज के बारे में बात करते हैं जो आपकी जिम किट में आती है, आपके स्पोर्ट्स शूज। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने पहने हैं कल्ट स्पोर्ट्स के शूज और कल्ट स्पोर्ट की टी शर्ट। और क्यों? क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मैंने काफी शूज पहने हैं, बहुत ब्रांड के पहले शूज पहने हैं। तो आपने देखा होगा या तो मैं जूते निकाल के एक्सरसाइज करता था। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्लाइमेट है हुमस वाला, और जब हम वर्कआउट करते हैं तो पैरों में हो जाते हैं चिपचिपाहट, पसीना आने लग जाता है। तो जूतों को निकालो या वर्कआउट को छोड़ो, दो ऑप्शन होते हैं। तो वर्कआउट हम छोड़ नहीं सकते, हम इंडोर आउटडोर, क्योंकि आजकल 75 डे हार्ड चैलेंज चल रहा है, आपको पता है पंगाल फिटनेस पे। तो उसमें दो टाइम वर्कआउट हो रहा है, सुबह अपना वेट ट्रेनिंग होती है, शाम को अपना आउटडोर रनिंग होती है। तो इसके लिए मैंने शूज ऑर्डर करे थे कल्ट स्पोर्ट के, और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आए। और मैं ये बहुत प्राउड से कह सकता हूँ कि मैं कल्ट स्पोर्ट के शूज पहनता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल। दूसरी बात, इनका जो मटेरियल है A1 क्लास है। और सबसे जो जरूरी बात है, जब आपका स्पोर्ट्स शूज लाइट वेट होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है, तो आपको थकान कम होगी, आप वर्कआउट अच्छा कर पाओगे, आपका पैर आराम से उठेगा। और ये इतना लाइट है ना शूज, इसके प्राइस में मैंने इससे लाइट शूज आज तक देखा ही नहीं। जो इसका वेट है ना, ऐसा लगता है बस बहुत हल्का सा शूज पहन के रनिंग कर रहा हूं। और तीसरी बात, जो इनका प्राइस है, वो जितने मैं ब्रांड पहनता था, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जितने मैं ब्रांड पहनता था उनसे बहुत ज्यादा रीजनेबल है। क्योंकि जो कल्ट स्पोर्ट है, दिस इज मेड फॉर इंडिया और मेड इन इंडिया। तो दोस्तों बात करते हैं, पहला हमारा पॉइंट हो गया मटेरियल, दूसरा हमारा पॉइंट हो गया आपका मिड सोल। हर स्पोर्ट शूज की जान होती है उसका मिड सोल, और जो कल्ट स्पोर्ट का शूज है उसकी मिड सोल जबरदस्त है। उसकी जो कुशनिंग होती है ना, सबसे मेन चीज मिड सोल की कुशनिंग, जो आपके पैर को प्रोटेक्ट करती है। और दूसरा, जब आप पैर रखते हो तो आपके पैर का रिबाउंड मिलता है, मतलब कि बैक करता है। जब आप पैर ऐसे जमीन पर रखते हो ना, कम बैक जल्दी मिलता है, उससे आपको थकान कम होती है। और जितनी थकान कम होगी, उतना लंबा डिस्टेंस आप चल पाओगे, रनिंग कर पाओगे, अपने वर्कआउट कर पाओगे। तो दोस्तों इसका जो फाइनल फीचर है वो इसका 9mm की हील से टोड रो, और जितना ये डिफेंस ज्यादा होता है उतना ही आपको पैर कंफर्टेबल, आप चल सकते हो, आपको पता लगता है कि हाँ, मतलब कि ये आपने देखा होगा शूज, तो आपको पता लगता है कि टो से कितना डिफरेंस है हील का। और जो इसका रबड़ सरफेस है आउटर, वो बहुत सॉफ्ट रबड़ से बना है, और जो आपको ग्रिप देता है, आप किसी भी सरफेस पे पहन सकते हो, इसे गीले पे, टाइल पे, घास में, और आप इसे कहीं भी पहन के जा सकते हो, क्योंकि इतना स्टाइलिश लगता है। आप ऑफिस में भी पहन सकते हो, अपने जिम में पहन सकते हो, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते कि हम अलग अलग शूज खरीदे, क्योंकि जो कॉलेज लाइफ होती है ना, उसमें तो बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं शूज खरीदने। तो ये इसके फीचर्स हैं शूज के। तो दोस्तों मेरा परचेज करने का मेन रीजन था कि मैं बाहर भी पहन सकूं और जिम में भी पहन सकूं, मतलब जब रनिंग करूं तो भी इनका पहन सकूं। क्योंकि आपने वीडियोस देखे होंगे, मेरी बहुत लंबी ड्राइविंग होती है, 500-600 किलोमीटर ड्राइविंग हो जाती है, उसके बाद वर्कआउट होता है, तो मैं इन्हें बाहर भी यूज कर लेता हूं, अपना जिम में भी कर लेता हूं, ग्रास पे भी कर लेता हूं, खेतों में काम हो रहा है आजकल, फार्म हाउस का, उसमें भी यूज होंगे, तो रफ एंड टफ है। तो जिस भी भाई को पसंद हो वो परचेज कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कल स्पोर्ट्स के शूज मेरी तरफ से डन है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और लिंक अमित 15, जो कूपन कोड है वो है अमित 15, अगर आप यूज करोगे तो आपको 15% ऑफ मिलेगा। और ये शूज बहुत रीजनेबल है, जितने भी मार्केट में ब्रांड है उनसे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, मेरी गारंटी है। पहनोगे उसके बाद आपको कमेंट करना इस वीडियो पे आके, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को तो जबरदस्त लगा, हर किसी का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो आपको कमेंट में जरूर आके बताना है। क्योंकि दोस्तों मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, कल्ट स्पोर्ट।